आज यहाँ पर मैंने लिया है इंग्लिश की एन की बुक में से टेक्स्ट बुक में से लेसन चैप्टर लिया है तो इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल का है बच्चों का चैप्टर है बच्चों की क्लासेस का तो बहुत बेसिक जो वैब होती है जो आपको एडवांस लेवल तक काम आने वाली है अगर आपको ये बेसिक लेवल की जो ग्रामर होती है वो कैबलरी होती है मीनिंग्स होती है सेंटेंसेस होते हैं इनको अगर आप समझ पाते हैं इनको अगर समझने में आप मजबूत हो गए हैं या फिर आपने पकड़ कर लिया है तो आप एडवांस लेवल पे जाएं नहीं तो शुरुआत आप इस बेसिक लेवल से ही करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं जितने भी वो कैबलरी आएगी और किस तरीके से टेंसेस का यूज़ किया गया है सेंटेंसेस बनाए गए हैं तो उससे काफ़ी कुछ आप यहाँ पर सीखेंगे तो हमेशा की तरह इंग्लिश के एक एक वर्ड का यहाँ पर मीन बताऊँगी और हिंदी में हम करते हैं इसको ट्रांसलेट द येलो बटरफ्लाई येलो का मतलब पीली होती है बटरफ्लाई मतलब तितली क्या है ये स्टोरी है पैराग्राफ कह लीजिए अ येलो बटरफ्लाई एक पीली बटरफ्लाई फ्लू फ्लू जो है फ्लाई की सेकेंड फॉर्म है फ्लाई फ्लू फ्लॉन ये होती है तीनों फॉर्म तो उड़ी अराउंड मतलब चारों ओर या आसपास इन यानी मे किसके सोनूज गार्डन सोनू के बगीचे में आसपास उड़ी या चारों ओर उड़ी एक पीली बटरफ्लाई तो यहाँ पर ये जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है आप खुद से समझने की कोशिश करें स्टोरीज होगी वहाँ पर आपको लगभग जो ऐसे चैप्टर्स होंगे आपको मिलेगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो ये है सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास टेंस का यहाँ पर यूज़ हुआ है सोनू सो सौ सी की सेकेंड फॉर्म हो गई सोनू ने देखा द बटरफ्लाई को ठीक है उस बटरफ्लाई को ही यानी कि वह ही यहाँ पर इस सोनू के लिए यूज़ हुआ है रन की सेकेंड फॉर्म रेन भागा ठीक है दौड़ना तो दौड़ा टू कैच पकड़ने के लिए इट यानी उसे कैच पकड़ना होता है टू कैच पकड़ना तो पकड़ने के लिए उसको दौड़ा इट यहाँ पर यूज़ हुआ है इस बटरफ्लाई के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ किया गया है तो द बटरफ्लाई मतलब वो वाली बटरफ्लाई द बटरफ्लाई जिसकी यहाँ पर बात हो रही है तो वो वाली बटरफ्लाई फ्लू ठीक है उड़ी टू द रोज बेड रोज बैड पर उड़ी अब यहाँ पर द रोज बैड का मतलब है रोज का जो फूल है उसके ऊपर की बात हो रही है उसको बैड यहाँ पर बताया गया है इट सैट बैठी सिट सेट सेकेंड फॉर्म हो गई इट सैट यानी कि वह बटरफ्लाई बैठी इट यहाँ पर बटरफ्लाई के लिए यूज हुआ है ऑन अ रोज बेड रोज बेड के ऊपर बैठी नाउ आई कैन कैच इट अब क्या है इन्वर्टेड कॉमा में कि अब आई कैन कैच इट कैन मतलब कोई भी काम आप कर सक सेंस uh, देता है ये सकता है सकती है सकते हैं, एबिलिटी को दिखाने के लिए तो अब मैं क्या कर सकता हूँ पकड़ सकता हूँ इट यानी उसे उस बटरफ्लाई को सेड सोनू यानी सोनू ने ये कहा ही वॉक स्लोली वो धीरे धीरे चला धीरे धीरे ठीक है चला स्लोली एंड साइलेंटली बिल्कुल चुपचाप शांत तरीके से टू कैच पकड़ने के लिए द बटरफ्लाई टू कैच यानी पकड़ना होता है तो किसको पकड़ने के लिए धीरे धीरे चुपचाप चला उस बटरफ्लाई को ही केम तो यहाँ पर सिंपल पास टेंस आपको देखने को मिल रहा है तो इस तरीके से आप खुद से पहचानने की कोशिश करें तो धीरे धीरे होता है जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे जितना ज़्यादा आप सीखेंगे कंटिन्यूटी के साथ तब आप इन जो वर्ड्स को है उनकी पकड़ कर पाएंगे सीख पाएंगे तो ही केम यानी वह आया ठीक है कम केम कम तीनों फॉर्म होती है ना क्लोज़र नज़दीक फिर क्लोज़र नज़दीक एंड स्टिल क्लोज़र अब जो क्लोज़र है इसका मतलब तो नज़दीक है स्टिल मतलब होता है करीब और भी या फिर कह सकते हैं अभी भी फिर भी यानी और भी नज़दीक आया तो अब ये सेंस आपको स्टिल का आपको लेना है अभी भी लेंगे या फिर भी या फिर करीब यानी कि पास इस तरीके से तो और नज़दीक आया यानी कि और पास आया और भी पास आया या करीब आया तो इस तरीके से आप स्टिल का अपने अकॉर्डिंग यूज़ नहीं लेंगे बहुत सारे मीन होते हैं लेकिन सेंटेंस के ऊपर क्या सूट है कि स्टिल यानी और भी क्लोज़र यानी कि पास तो और भी यहाँ पर सेंस करेक्ट जा रहा है बट दैन लेकिन फिर देन यानी कि यहाँ पर फिर ऑफ़ तो यहाँ पर ऑफ़ फ्लू यानि उड़ी द बटरफ्लाई बटरफ्लाई उड़ी अब इस ऑफ़ का मतलब भी है यहाँ पर ऑफ़ का मतलब होता है कि दूर या फिर दूर होना या अलग होना तो मतलब दूर हो गई तितली दूर उड़ गई वेयर डिड द बटरफ्लाई गो अब यहाँ पर डिड जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है यानी कि सिंपल पास टेंस का सिंपल पास टेंस का इंटारोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पर हम डिड का यूज़ कर जहाँ पर हम डिड का यूज़ करके और डिडंट का यूज डिड नॉट का यूज़ करके नेगेटिव और इंटारोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं लेकिन ये डब्ल्यू एच फैमिली वाला इंटारोगेटिव है वेयर मतलब कहाँ ठीक है डिड का मतलब मैंने बता दिया हेल्पिंग वर्ब है जिसके अकॉर्डिंग हम समय टाइम को पहचानते हैं कि किस समय की बात हो रही है द बटरफ्लाई गो यानी कि बटरफ्लाई कहाँ चली गई नियर द गार्डन किसके पास चली गई गार्डन के नियर द गार्डन चली गई नहीं नियर द गार्डन यानी गार्डन के पास वॉज मतलब था अ पॉन्ड एक पॉन्ड था ठीक है अब यहाँ पर वॉज का सेंस जाता है था थे थी अगर हिंदी में आप लेंगे ना वर्ज और वर्ग का था थे थी इस तरीके से लेकिन अगर हमको किसी चीज़ के बारे में बताना है कि क्या था तो पौंड था एक्टिविटी यहाँ पर एक्शन कोई नहीं हो रहा है तो ऐसे सेंस में भी हम वर्ज़ वर्ब का यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज़ होता है आप पढ़ते जाएं और सीखते जाएं नेक्स्ट लाइन क्या है कि इन द पौंड यानी कि पौंड में इन ठीक है पौंड में तालाब में वॉज था अ वाइट लोटस क्या था एक सफ़ेद लोटस था तो यहाँ पर भी कोई काम नहीं हो रहा है क्रिया नहीं हो रही है बताया जा रहा है जो भी करता होगा उसके बारे में बताया जाता है कि वो कहाँ था कैसा था ठीक है इस तरीके से और भी कुछ चीज़ें और बताई जाती है जो जैसे सेंटेंसेज आएंगे वैसे मैं बताऊँगी वॉज़ अ वाइट लोटस एक सफ़ेद लोटस था पौंड में लोटस का मतलब कमल अराउंड इट अराउंड यानि आसपास ठीक है चारों ओर तो इट ग्रू राउंड लीव्स अब उसके चारों ओर किसके चारों ओर लोटस की बात हो रही है ग्रू ग्रो की सेकेंड फॉर्म है ग्रू तो ग्रू का यहाँ पर मतलब है बढ़ना बड़ा होना या बड़ा हो जाना राउंड लीव्स या उगना भी होता है ठीक है तो उगी हुई थी क्या उगी हुई थी राउंड यानी कि गोल गोल पत्तियाँ पत्तियाँ लगी हुई थी उगी हुई थी इस तरीके से दे फ्लोटेड इन द वॉटर अब वॉटर में वो क्या कर रही थी फ्लोट कर रही थी फ्लोट का मतलब होता है तैरना तो तैरी ठीक है दे फ्लोटेड तैरी हुई थी पास्ट की बात हो रही है इन द वॉटर पानी में नेक्स्ट क्या है कि द बटरफ्लाई जो तितली थी ना वो सेल्ड अब सेल का मतलब होता है ये सेकेंड फॉर्म हो गई तो सेल का मतलब हो गया नाव चलाना ठीक है बोट को बोट को चलाना ऑन अ फ्लोटिंग लीफ जो तैरती हुई लीफ थी ना उसके ऊपर जैसे कि वो बटरफ्लाई क्या कर रही है नाव चला रही है उसने सेल किया ये कहने का यहाँ पर सेंस हो रहा है सोनू वेंट स्प्लैश सोनू वेंट गो की सेकेंड फॉर्म हो गई वेंट गया स्प्लैश स्प्लैश का मतलब होता है पानी के अंदर हम हाथ डाल के छप छप करना छप छपाना या फिर छींटे डालना ये स्प्लैश होता है इन टू द वॉटर हाथ डाल के स्प्लैश करना यानी कि पानी को छप चप छपाना या छप छप करना इस तरीके से एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई फिर वापस से क्या हो गई बटर Butter, बटरफ्लाई दूर चली गई ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई यहाँ पर ऑफ हो गया दूर चले जाना फ्लू यानी उड़ जाना उड़कर दूर चले जाना वेयर वॉज इट अ वेयर वॉज इट मतलब वेयर यानी कहाँ वॉज यानी थी इट यानी यह या है इंटारोगेटिव सेंटेंस है ये भी ये भी किसका है पास्ट इंडेफिनेट टेंस का डब्लू एच फैमिली वाला इंटारोगेटिव सेंटेंस है वॉज और वर वाला वॉज और वर वाला जिसमें आई फॉर्म नहीं है इसमें क्या है कि कोई जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया जाता है वो कैसा है कहाँ है उसकी अवस्था के बारे में तो और जैसे जैसे सेंटेंसेज आप देखेंगे सीखेंगे एक्शन नहीं है इस वर्ड में इस सेंटेंस में इंटारोगेटिव सेंटेंस में सोनू लुकडप अब सोनू ने ऊपर देखा ठीक है लुकडप ऊपर देखा एंड लुक डाउन नीचे देखा नियर यानी पास द वॉल दीवार के पास वॉज अ पीच ट्री पीच ट्री था दीवार के पास क्या था एक पीच ट्री था तो यहाँ पर भी कोई काम नहीं हो रहा है ना अवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि कोई कहीं पर था तो दीवार के पास क्या था एक पीच ट्री पीच का मतलब हो गया आड़ू का पेड़ इट हैड पिंक फ्लावर्स हैड मतलब होना किसी के पास कुछ होना और पास्ट में होना यानी कि था उसके पास में तो इट हैड क्या था उसके पिंक फ्लावर्स गुलाबी फूल द बटरफ्लाई द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रिटी फ्लावर्स जो बटरफ्लाई थी सिट की सेकेंड फॉर्म हो गई सेट यानी कि बैठी प्रिटी प्रिटी का मतलब है ब्यूटिफुल सुंदर आकर्षक प्यारी ठीक है प्यारा इस तरीके से तो सुंदर फूलों पर बैठी आई कैन कैच यू कैन का मतलब सकता है सकती है तो मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ ठीक है शाउटेड सोनू सोनू ने चिल्लाया या फिर चीखा शाउट करना चीखना चिल्लाना ही क्लाइम्ब वह चढ़ा अप क्लाइंब अप चढ़ना किसके ऊपर चढ़ा ट्री के ऊपर अप ऊपर ऊपर ही क्लाइम्ड ही क्लाइम्ड ऊपर ऊपर चढ़ा क्लाइम मतलब चढ़ना बट लेकिन बैक अब बैक का मतलब क्या है बैक का मतलब वापस या पीछे की ओर या फिर से इट फ्लू फिर से क्या हुई वो इट वह फ्लू यानी उड़ी फिर से वो उड़ी डाउन तो बैक का मतलब पीठ भी होता है तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस वर्ड का मीन लेना है तो यहाँ पर फिर से उड़ी ठीक है या फिर वापस उड़ी इस तरीके से तो वापस या फिर से के से सेंस में आप बैक का मीन यहाँ पर ले सकते हैं डाउन फ्रॉम द ट्री नीचे ट्री से सोनू जम्प्ड सोनू ठीक है फ्रॉम मतलब यहाँ पर से सोनू जम्प्ड डाउन टू सोनू भी क्या किया सोनू ने भी क्या किया कूदा नीचे सोनू भी नीचे कूदा टू का मतलब है भी ही चेज्ड द बटरफ्लाई ही यानी कि वह अब चेज का मतलब होता है पीछा करना भागना या फिर भगाना तो सोनू ने भी क्या किया पीछा किया उस बटरफ्लाई का फ्रॉम द रोज़ फ्रॉम द फ्रॉम यानी से द रोज द रोज टू यानी तक द लोटस रोज से लोटस तक ठीक है उसने पीछा किया एंड एंड और अप द पीच ट्री और ऊपर किसके पीच ट्री के ऊपर आड़ू के वृक्ष के ऊपर बट लेकिन ही कुड नाट अब कुड नाट का यूज़ कर सकते हैं आप कोई काम नहीं कर सके या नहीं कर पाए के सेंस में तो ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई तो वो बटरफ्लाई को कैच नहीं कर पाया नहीं कर सका नहीं कर पाया नहीं कर सके के सेंस में आप कुडंट का यूज़ कुड नाट का यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट है, Next है सोनू कुड नॉट सी अब नहीं कर पाया क्या नहीं कर पाया सी यानी देख नहीं पाया इट यानी उसे एट ऑल एट ऑल का मतलब क्या हो गया बिल्कुल भी या थोड़ा भी या किसी भी तरह से भी उसको देख नहीं पाया या फिर थोड़ा भी उसे नहीं देख पाया इस तरीके से ही लुकड एवरीवेयर उसने देखा उसने देखा हर जगह लुकट यानि देखा लुक मतलब देखना तो देखा हर जगह एवरीवेयर एवरीवेयर हर जगह एट लास्ट मतलब आखिरकार या फिर अंत त आखिरकार या अंततः लास्ट ही सौ यानी देखा द बटरफ्लाई को देर वॉज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन पीच ट्री के अंदर जो था एक मकड़ियों का जाला था बड़ा आड़ू के वृक्ष पर पीच ट्री पर एक बड़ा मकड़ियों का जाला था ठीक है अब देयर एक बड़ा मकड़ियों का जाला था इस, इस तरीके से हम सेंटेंस को एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर इस सेंटेंस का हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इस सेंटेंस में देअर को एज अ सब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो द बटरफ्लाई वॉज़ कॉट इन द स्पाइडर्स वेब तो यहाँ पर क्या है कि बटरफ्लाई को मकड़ियों के जाले में पकड़ लिया गया था तो कोई भी काम कर लिया गया था कोई भी काम कर लिया गया था तो वॉज़ के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे ऐसे सेंटेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे आगे क्या है इट लुक्ड यानी उसने देखा सैड उसने क्या देखा उसको दुखी देखा मकड़ियों के जाले में उसको पकड़ लिया गया था तो उसने दुखी देखा फिर क्या है एज इट ट्राइड यानी एज का मतलब है जैसे ही क्योंकि बहुत सारे मीन होते हैं जैसे कि या इस कारण ठीक है इस कारण कह सकते हैं या फिर जैसे ही तो जैसे ही उसने ट्राइड मतलब कोशिश की टू एस्केप मतलब बचकर निकलना एस्केप मतलब होता है बच निकलना भागना या छूटना किसी से ठीक है तो बचकर निकलना वहाँ से तो इट फ्लटर्ड फ्लटर्ड फ्लटर का मतलब होता है इट्स विंग्स विंग्स को यानी पंखों को फ्लटरिंग करना फड़फड़ाना उसके लिए वर्ड यूज होता है फ्लटर इट्स विंग्स यानी उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया इट ट्विस्टेड एंड टर्न अब ट्विस्ट करना ट्विस्ट का मतलब मरोड़ना उसने मरोड़ा ठीक है मोड़ना मरोड़ना टर्न मतलब मोड़ना मरोड़ा और मोड़ना तो उसने क्या किया यहाँ पर ट्विस्टेड मरोड़ना हो गया या फिर एंड टर्न का मतलब हो गया मोड़ना उसने मरोड़ा या फिर मोड़ा बट इट कुड नॉट कुड नॉट नहीं कर सका या नहीं कर सकी एस्केप मतलब बचकर नहीं निकल पाई या नहीं निकल सकी द स्पाइडर्स वेब जो मकड़ी का जाला था यानी स्पाइडर्स वेब मकड़ी का जाला ठीक है हेल्ड इट टाइट यानी उसने होल्ड की सेकेंड फॉर्म हो गई हेल्ड मतलब पकड़ा उसने टाइट यानी कसकर पकड़ा हुआ था उसको पुअर बटरफ्लाई बेचारी बटरफ्लाई इन द मिडल यानी कि बीच में ऑफ द वेब जाले के बीच में वॉज अ बिग स्पाइडर थी एक बड़ी क्या थी एक बड़ी स्पाइडर थी जाले के बीच में एक बड़ी स्पाइडर थी इट लुक्ड हंगरी अब लुक का मतलब हंगरी का मतलब होता है भूखा ठीक है और लुक का मतलब हो गया यहाँ पर लुकड है सेकेंड फॉर्म हो गई दिखना या दिखाई देना तो दिखाई दी कैसी भूखी दिखाई दी इट वॉन्टेड टू कैच यानी वह चाहती थी टू कैच पकड़ना किसको? बटरफ्लाई को क्लोजर नज़दीक एंड क्लोजर और नज़दीक क्रॉल्ड क्रॉल्ड का मतलब होता है रेंगना रेंगते हुए जो कीड़े होते हैं वो क्रॉल करना रेंगना या फिर घुटनों के बल चलना भी होता है लेकिन तो स्पाइडर की बात हो रही है तो वो तो रेंगी द ब्लैक स्पाइडर रेंगती है वो कौन ब्लैक स्पाइडर रेंगती है नहीं रेंगी सिंपल पास्ट टेंस है इसलिए फोर द हंगरी स्पाइडर कुड ग्रैब इट मतलब उस पहले बिफोर मतलब उससे पहले क्या जो हंगरी भू के स्पाइडर थी उसको पकड़ सकी ग्रैप मतलब पकड़ना पकड़ पाती या पकड़ पकड़ सकती ग्रैप मतलब होता है पकड़ना इट यानी उसे सोनू रैन सोनू भागा पकड़ सकती या पकड़ पाती उससे पहले सोनू भागा रैन की सेकेंड फॉर्म है रन की एंड ही कॉट द बटरफ्लाई कैच पकड़ना तो कॉट यानी पकड़ा किसको बटरफ्लाई को इट वॉज़ प्रिटी कैसी थी बटरफ्लाई इट वॉज़ प्रिटी सो प्रिटी बहुत प्रिटी यानी कि प्यारी सुंदर आकर्षक ब्यूटिफुल इट हैड अब क्या क्या था उसके मतलब उसकी बॉडी के जो भी बॉडी के ऊपर जो भी चीज़ें थी उसको बताने के लिए हैड आप हैड का यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट में तो आप यूज़ करेंगे हैज का और पास्ट में आप हैड का यूज़ करेंगे तो क्या था उसके पास क्या था या उसके अंदर जो भी था वो तो इट हैड क्या था ब्राउन भूरे स्पॉट्स भूरे क्या थे स्पॉट्स मतलब धब्बे ऑन इट्स येल्लो विंग्स यानी इट्स यानी उसके येल्लो विंग्स के ऊपर जो पीले पंख थे ना उनके ऊपर कैसे स्पॉट्स थे धब्बे थे ब्राउन ब्राउन कलर के भूरे रंग के सोनू लव्ड सोनू ने लव्ड लाइक का मतलब होता है पसंद करना और लव्ड का मतलब बहुत पसंद करना बहुत ज़्यादा द लिटर द लिटिल बटरफ्लाई को बहुत ज़्यादा पसंद किया बट इट लुकड सैड बट इट लुकड सैड वो दिखाई दी कैसी सैड यानी कि दुखी इन सोनूज हैंड सोनू के हाथों में वो दुखी दिखाई दी सोनू वॉन्टेड इट सोनू क्या चाहता था वॉन्ट का यूज़ प्रेजेंट में करेंगे पास्ट में वॉन्टेड हो गया इट यानी उसे टू बी हैप्पी वो चाहता था कि वो खुश हो उसको खुश रखना चाहता था या वो खुश हो टू बी यानी होना गो यानी कि जाओ सेट सोनू फ्लाई अवे उसने कहा जाओ उसने छोड़ दिया होगा उसको तो फ्लाई अवे यानी उड़ जाना या उड़ गई ही लेट ही यानी उसने लेट मतलब होता है होने देना होने देना कुछ भी काम करने देना निकलने देना जाने देना कुछ भी तो ही लेट द बटरफ्लाई गो तो उसने क्या किया बटरफ्लाई को जाने दिया इट्स सेट सेट यानी बैठी सेट होता है ना फर्स्ट फॉर्म सेकंड सेट बैठी ऑन द रेड रोज किसके ऊपर बैठी रेड रोज के ऊपर इट फ्लू फ्लाई के सेकंड फॉर्म फ्लू यानी उड़ी टू द पीच ट्री पर उड़ी ठीक है फिर क्या है एंड देन एंड देन सेल्ड ऑन अ लोटस लीव अब लोटस लीव के ऊपर उसने क्या किया सेल किया सेल्ड सेकेंड फॉर्म है ना तो सेल करना मतलब आ, बोट को जैसे चलाते हैं वो सेलिंग करना नाव चलाना इस तरीके से जल में यात्रा करना ऐसे कह सकते हैं इट फ्लू मैरिली इट यानी वह फ्लू यानी उड़ी मैरिली मतलब खुशी पूर्वक, प्रसन्नता से खुशी से फ्रॉम से फ्लावर टू तक एक फूल से दूसरे फूल तक फ्लावर टू फ्लावर एक फूल से दूसरे फूल तक ऐसे है फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर ठीक है फिर क्या है सोनू वॉश्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई सोनू ने देखा इट उसको उड़ते और उड़ते द बटर फ्लाई फ्लू उड़ी ऑल अराउंड ऑल अराउंड चारों और सब तरफ सोनूज गार्डन सोनू के गार्डन में चारों और उड़ी हैप्पी एंड फ्री खुश थी आज़ाद थी वंस अगेन एक बार फिर से तो यह है सिंपल सी स्टोरी कह सकते हैं आप इसको अच्छी है बट इसके जो वर्ड्स है बिल्कुल बेसिक है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इन वर्ड्स से इंग्लिश के वकीबलरी में या फिर टेंसेज के जैसे कि आप अपना वापस आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि इस्केप वर्ड आया था ठीक है बच कर निकलना पॉन्ड पीच का मीन्स पीच का क्या मीन होता है क्लाइम का मतलब कैच मिडल हंगरी फ्लॉट शाउट चेज ठीक है फ्लटर ट्विस्ट तो इस तरीके से ये वर्ड्स अगर आपने स्टोरी ध्यान से सुनी है तो आप समझ गए होंगे इन वर्ड्स का मीन भी अब काफ़ी कुछ आपको इससे सीखने को मिला होगा तो इसी तरीके से आप बेसिक लेवल से शुरुआत करें बेसिक जो स्टोरीज है तो उनको सिंपल सिंपल इजीजी उनके सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को देखें और सीखें तो आज के लिए बस इतना ही